कई लोग मौन रखते हैं, नोटबुक और पेन साथ में रखते हैं, डायरी और पेन साथ में रखते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन है परेशान वो बेचारा हो। दूसरा, मेरे पास भी आते हैं कोई चिट्ठी लेके, मेरा मौन है। मैंने कहा तो मेरा भी मौन है, जय सिया राम। तू मौन, मैं बोलूं राम राम करो, रास्ता नापो। कल शाम के सत्संग में गुरुदेव ने क्या बाकी रखा बताने में? ऐसा दिव्य ज्ञान सुनने के बाद कोई बोले कि मुझे साधना में आगे बढ़ने के लिए कुछ पूछना है, तो समझो कि उसने कल शाम का सत्संग सुना ही नहीं, नहीं सुना, या सुना तो केवल कानों से सुना, कान के पीछे अपना हृदय नहीं लगाया। कल जब बापूजी पधारे तो फिर मैं नीचे उतरा, मैंने सोचा मैं जाऊं थोड़ा रिसेस करके आऊं, पर फिर बापूजी यहाँ शांत अपनी दृष्टि सब पर डाल रहे थे। मुझे जाने की इच्छा नहीं हुई कि मैं रिसेस के लिए भी जाऊँ, बैठा रहा। फिर सत्संग सुना सुना सुना, एक वचन दो वचन, तो जाने की इच्छा नहीं हुई, याद भी नहीं आया। तो कितना उत्कृष्ट ज्ञान और ऐसे शब्दों में हमें बताते हैं, क्योंकि उनकी अनुभूति है, उनके शब्द निशब्द को छूकर आते हैं। जो अपरिभाष्य की परिभाषा करते हैं वो उसमें ठहरे हुए हैं, तभी अपनी वसी दिव्य वाणी हमको सुनाते हैं। तो हम कानों के पीछे अपना हृदय लगाते, हृदय पूर्वक सुनना, हृदय पूर्वक जो सुनेगा ना, उसका हृदय कृतज्ञता से भरे बिना नहीं रहेगा, और वो कृतज्ञता अज्ञता को मिटा देगी। गुरुजीएफ ने कहा कि इशारा भी किया तो कान पकड़ के निकाल दूंगा बाहर, खबरदार, परीक्षा बड़ी कठिन थी, परंतु एक दिन बीता, 3 महीने रहना है, कसौटी होगी। 3 महीने तक बोलना नहीं, इशारा भी नहीं। अब देखो, गुरुओं की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है। बोलना भी नहीं, इशारा भी नहीं करना है, नहीं तो गुरु जी निकाल देंगे। तो आप सोचो, चिंतन किसका होगा? स्वाभाविक गुरु का ही होगा। जो सत में टिके हुए हैं, ऐसे सद्गुरु का चिंतन ध्यान वो हमें असत के ध्यान से मुक्त कर देता है। असत के ध्यान से छूटे तो कल्याण हो गया। पाप किसको कहते हैं? सबसे बड़ा पाप कौन सा? के असत के प्रति महत्व बुद्धि, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। नश्वर के प्रति महत्व बुद्धि सबसे बड़ा पाप है, बाकी सब पाप उसके बच्चे हैं। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता। ऐसा करते करते 15 दिन बीते, 16वें दिन की शुरुआत हुई। एक आदमी विफल हो गया, इशारा कर बैठा, दूसरा दूसरे दिन विफल हुआ, 27 व्यक्ति विफल हो गए, 27 आदमी 30 में से विफल। तीन महीने तक केवल 3 सफल हुए, और उसमें एक गणितज्ञ ऑस्पेंस की, रशिया का, वो सफल हो गया।
तो गुरुजी एफ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऑस्पेंस्की से पूछा कि आप गणितज्ञ इतने विद्वान आदमी और 3 महीने अकेले दूसरों के बीच रहते हो भी अकेले कैसे रहे? इशारा भी नहीं किया, मौन रहे। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने ऐसे रहा जैसे मेरे लिए कोई है ही नहीं, मैं अपने आपे को भी भूल गया। शुद्र मैं का भी त्याग हो गया और सतत आपका ही चिंतन चलता रहा। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु अस्तित्व है। सत के ध्यान से असत का ध्यान जो पाप है सबसे बड़ा, वो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। और उसके बाद ऑस्पेंस्की ने जो गणित की सर्वाधिक गहरी किताब लिखी जिसका नाम टर्शियम आर्गनम, यूरोप में 3 बड़ी किताबें लिखी गई। एक तो अरस्तु का आर्गनम, दूसरा बैकन का नोवम आर्गनम और तीसरा ऑस्पेंस्की का टर्शियम आर्गनम। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े फिलोसोफरों ने, बड़े बड़े भारत के भी संतों ने ऑस्पेंस्की का टर्शियम आर्गनम पढ़ा। 3 महीने वो व्यक्ति गुरु के आदेश अनुसार बैठा रहा, इशारा भी नहीं किसी को, कुछ नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 2 घंटे भी बैठ नहीं पाते, यहां बैठ पाते हैं तो फिर इशारा बातें उससे छूट नहीं पाते हैं, और अधूरे में पूरा फिर मोबाइल फोन आ गया, जेब में रहता ही है तैयार। और बाह्य जगत से संपर्क बनाए रखते हैं, उस कारण तकलीफ होती है। इसलिए जरा सतर्कता रखनी होगी। मेले में जाते हैं ना, तो कभी कभी देखा होगा मेले में क्या होता है कि वो चक्री होती है, चक्री, पैसे देकर लोग बैठते हैं, गोल गोल घुमाता है वो चक्री वाला, लकड़ी के घोड़े बने होते हैं, डिजाइन घुमाता है। 2-4 चक्कर में तो बैठे हुए लोगों को मजा आता है, पर बाद में फिर चक्कर खाते खाते खुद ही चक्कर खाने लगते हैं, थोड़ी देर में उतरते हैं तो उल्टियां होने लगती हैं उनको, फिर बोलते हैं कि अब नहीं बैठेंगे, परेशानी हो गई। तो देखो, मेले की चक्री तो बहुत छोटी है, बैठकर लोग उतर भी जाते हैं, थोड़ी देर में अनुभव हो जाता है कि तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं। पर संसार की चक्री बहुत बड़ी है, लोग बैठे हैं तो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं, चक्कर भी खाते हैं, बीमार भी होते हैं, पर दवाइयां लेकर फिर घोड़े पर बैठ जाते हैं चक्कर खाने के लिए कि हमको तो मजा आता है। विवेक जागृत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि ऐसे लोग बिचारे जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल से दर्पण ढका रहता है, ऐसे ही उनका ज्ञान ढका रहता है। और धुआं कोई ठोस वस्तु नहीं है, भगवान ने देखो नाम दिया धुआं, कोई ठोस वस्तु नहीं है, परंतु अग्नि ढकी हुई है। जैसे एक बीज अपनी खोल से ढका होता है,
ऐसे ही धुएं से अग्नि ढकी है, मानव की चेतना उसकी वासना से ढकी है। जैसे गर्भ झिल्ली में बंद और ढका होता है, ऐसे ही कामना और वासना ने ढक दिया, एक आवरण लगा दिया। गुरुवर की वाणी उसको नष्ट करती है। गुरु के ज्ञान से आवरण दोष मिट जाता है, गुरु की भक्ति से मल दोष मिट जाता है। मल विक्षेप और आवरण जो तीन दोष बताए, गुरु के बताए अनुसार ध्यान करने से विक्षेप मिट जाता है। गुरु की भक्ति करो तो मल दोष, जो वासना, मल माने वासना, मन की मलिनता, वो गुरु की भक्ति से मिट जाती। मल दोष पहला गया, विक्षेप दोष गुरु की बताई साधना से गया, और आवरण गुरु के ज्ञान से जाता है। तो भगवान ने कितने सुंदर शब्द कहे हैं समझाने के लिए। धुएं में आग ढंकी हो, आग को पाना नहीं है, केवल धुएं को हटाना है। आग तो है, केवल धुआं हट जाए, थोड़ी हवा चल जाए। आग तो है, जैसे सूरज बादलों से ढका है, तो सूरज को पाना नहीं है, केवल बादल हट जाए, बस थोड़ी हवा चले, बादल बिखरे। या तो जो जहाजों में यात्रा करते हैं उनको पता है, बारिश के दिनों में एयरपोर्ट पर पहुंचे, चारों तरफ बादल है, धूप कहीं नजर नहीं आती, सूर्य की किरण कहीं दिखती नहीं है, मौसम ठंडा है, जहाज में बैठे, जहाज ने उड़ान भरी, बादलों को चीरता हुआ, बादल को चीर कर एकदम ऊपर चला गया, बादलों का वितान नीचे रह गया, जहाज ऊपर चला गया, तो खिड़की से बादल नीचे दिखते हैं और ऊपर सूर्य चमकता हुआ एकदम स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। ऐसे ही जो धरती पर ही रहता है ना, नीची स्थिति में रहता है, आपने ध्यान दिया होगा सात केंद्रों की बात जो गुरुदेव बताते हैं, उसमें अनाहत बीच में है, हृदय का, भावनाओं का जंक्शन। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, भावनाओं का, और उसके बाद फिर पांचवा विशुद्ध आज्ञा है, छठा आज्ञा चक्र है, सातवां सहस्त्र सार है। तो ये जो बीच में है अनाहत, भावनाओं का केंद्र, वहां से व्यक्ति अगर चाहेगा तो नीचे भी चला जाएगा, चाहेगा तो ऊपर भी उठ जाएगा। एक ही सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, नीचे भी उतर सकते हैं। घर में ऊपर चढ़ने की सीढ़ी अलग नहीं होती, नीचे उतरने की सीढ़ी अलग नहीं होती, उसी से ऊपर जाते हैं, उसी से नीचे आते हैं। तो ये बीच में है, चाहेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। अगर गुरु के प्रति प्रेम होगा, भावना होगी, तो ऊपर उठ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति में आकर्षण होगा तो उतर जाएंगे, नीचे उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत संभलना है। मुझे ये गणितज्ञ रशिया के ऑस्पेंस्की की बात बहुत प्यारी लगी, इसलिए आपके आगे रखी। गुरु ने कहा कि इशारा भी नहीं करना, सफल हो गया 3 महीने में। और उसने जो एक गणित पर गहरी किताब लिखी, वो स्वामी माधव तीर्थ जैसी विभूति ने पढ़ी, लालजी महाराज के गुरु। उसका मतलब ये नहीं कि हम वो किताब ढूंढने जाएं कहीं पुस्तकालय में के ऑस्पेंस्की का टर्शियम आर्गनम हम भी पढ़े, नहीं। उसने जो गुरु का कहा माना, ये महत्वपूर्ण है। तो भावनाओं का केंद्र, वहां से ऊपर उठ सकते हैं।
बीज ढका है खोल से, वृक्ष पाना नहीं है, केवल बीज को बो देना है। बीज को बो देंगे तो बीज अपना बीजपना गंवा देगा, वृक्ष हो जाएगा, फिर वहां बीज नीचे मिलेगा नहीं, फिर जड़ें मिलेगी जो नीचे फैल गई। आंखों से किसी का रूप दिखा, किसी युवती का, युवक का सुंदर चेहरा है, तो बोले हमको आकर्षण होता है, था हम आंखों को ही फोड़ दें, आंखों में सोए भोंक दें जैसे सूरदास ने लगा दिए। नहीं, वासना आंख में नहीं मन में है। काम क्रोध लोभ अंतकरण में है। कुत्ते के आगे रुपया रख दो, उठाएगा वो, पेशाब करके चला जाएगा, पर किसी आदमी के आगे रखो तो जेब में डाल देगा। किसी युवक को, अज्ञानी को, युवती को देखकर आकर्षण होगा, पर किसी बैल के आगे या किसी पशु के आगे खड़े हो तो किस उनको क्या होगा। नहीं होगा। तो इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। आप बीज को दो पत्थरों के बीच रखकर उसको कुचल डालो तो बीज का विकृत रूप हो जाएगा, पर बीज को जमीन में बो दो, थोड़ा खाद पानी दे दो, तो बीज का विकृत नहीं रूप नहीं होगा, बीज में से वृक्ष बन जाएगा, फल देने वाला होगा, छांव देने वाला होगा। तो गुरुदेव का कहा मानकर वैसी साधना करना, ये बीज को बो देना है। मैं कुछ करूं, ये करूं, ये करूं, नहीं। सुकेतु राजा थे, चाहते थे कि बेटा हो, पर हो गई बेटी। अब बेटा चाहता था पर संतान बेटी हो गई, तो बड़ा दुखी रहने लगा, तो उसने बेटी को बेटे के संस्कार दिए, लड़की थी पर लड़के के संस्कार दिए। क्या हुआ पता है? विकृति आ गई उसमें, और वही लड़की ताड़का बन गई, राक्षसी, जिसको भगवान राम ने मारा, मारना पड़ा उसको। थी लड़की पर लड़के के संस्कार देने लगे थे। आज विकृति इसी कारण आ रही है तो लड़की पर लड़कों जैसे कपड़े पहनने का शौक लगा है आजकल संसार में, ये विकृति है। इस विकृति के कारण विकार बढ़ते हैं। विकृति न हो तो विकार क्यों? तो बीज को कुचलना नहीं है, बीज को बो देना है। वासना क्या है? जो नहीं है उसकी मांग है। और भक्ति क्या है? जो है उसकी प्रीति, उसमें विश्रांति, उसमें श्रद्धा। वासना जो नहीं है उसकी मांग। अमेरिका में एक बड़ा धनाढ्य आदमी हुआ, एंड्रू कार्नेगी उसका नाम, मर रहा था। पूछा उससे कि अब तो आपकी कोई इच्छा नहीं रही होगी, 10 अरब छोड़कर मर रहे हो, 10 अरब। गुस्से में आ गया मरते मरते भी, बोले मेरी इच्छा तो 100 अरब कमाने की थी, पर दुर्भाग्य कि मैं 10 अरब ही कमा पाया, मरते मरते बोला। पर आप सोचो, अगर 100 अरब भी कमा लेता तो 1000 अरब कमाने की इच्छा हो जाती, क्योंकि इसकी कभी पूर्ति होती नहीं है। वासना आकाश छूती हुई क्षितिज की रेखा जैसी है, उसका कभी अंत नहीं आएगा, बढ़ती जाएगी। इच्छा और वासना के पीछे ध्यान का जाना, ये स्वयं के ध्यान से चूक जाना है।
इच्छा और वासना के पीछे ध्यान का जाना ये गुरु के ध्यान से चूक जाना है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुवर मिले हैं